देखिए ये संसार में बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन देखिए हमने इच्छा कामना का काम का बहुत अर्थ होता है, और सबसे बड़ा अर्थ इसका ये होता है हमारी जो भौतिक इच्छाएं उसको भी कामना कहते हैं, अवर मेटीरियल डिजायर्स। प्रॉब्लम यह है कि हमारी भौतिक इच्छाएं बहुत ज्यादा है, और उसको शुद्ध करने के लिए हमें इन सेंसेस को प्यूरिफाई करना है, राइट। और जैसे भगवान से जब अर्जुन ने पूछा भगवान से कि ये काम कहाँ कहाँ वास करता है शरीर में, तो भगवान किसे ही बोला कि मन बुद्धि और इंद्रियों में वास करता है, ये मन में भी है, बुद्धि में भी है और हमारी इंद्रियों में भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इन इंद्रियों को शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना है और बुद्धि को शुद्ध करना है। तो इसलिए इन इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करनी है, मन के द्वारा भगवान की सेवा करनी है और बुद्धि के द्वारा भगवान की सेवा। कहने का अर्थ यह है इसका एक ही रिप्लेसमेंट है कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक हम पूर्ण रूप में कृष्ण भावना भावित नहीं होते तब तक इस समस्या से हम छुटकारा पा नहीं सकते, दिस इज अ वेरी बिग डिजीज। तो इसलिए क्या है कि देयर नो अदर वे ओनली वन वे दैट वी हैव टू एंडेवर टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, बाय रीडिंग भगवद गीता, बाय रीडिंग श्रीमद भागवतम, बाय गोइंग टू द टेम्पल, हैविंग दर्शन ऑफ द लॉर्ड, बाय एसोसिएटिंग विद डिवोटीज। इस तरह से हमारे सेंसेस प्यूरिफाई हो, और कोई तरीका नहीं। वैसे भगवद गीता में एक जगह ये भी बताया गया है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के द्वारा, दिव्य ज्ञान के द्वारा अपनी बुद्धि को हमें शार्प करना, ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। इफ यू रीड प्रभुपाद बुक्स अवर इंटेलिजेंस विल बिकम वेरी वेरी शार्प, देन यू विल बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट that this is माया, this is not माया, this is for not for me, this is for me, right? तो scriptures जो है intelligence हमें provide करेंगे और वो हमें लड़ने की शक्ति देंगे माया से। तो इसलिए we should regularly, thoroughly और regularly we should read Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, ऐसे scriptures हमें regularly पढ़ने चाहिए। तो intelligence अब आपका जब sharp होगा spiritually तो वो intelligence जो है आपको गलत कार्य करने नहीं देगी, क्योंकि मन को काबू करना है तो इंटेलिजेंस को शार्प करना पड़ेगा, और इंटेलिजेंस हमारे पास अपने आप नहीं आएगा, इंटेलिजेंस आएगा गुरु साधु और शास्त्र से। सो फिर रिजिडली फॉलो गुरु साधु और शास्त्र, देन वी विल बी एबल टू ओवरकम दिस, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट। तो हमें इंटेलिजेंस कहां से मिलना है, इट शुड कम फ्रॉम शास्त्र, इट शुड कम फ्रॉम गुरु, इट शुड कम फ्रॉम साधु, उनके डायरेक्शन में हमें चलना है। एंड इफ उनके डायरेक्शन में चलेंगे, उनके डायरेक्शन में ग्रंथों को पढ़ेंगे एंड उनके डायरेक्शन में अपने आप को एंगेज रखेंगे, then gradually we will be able to get rid of this problem.